राजू हंस बेचकर अपनी गृहस्थी चलाता है। वो एक सच्चा और दयालु इंसान है। आज वो हंसों से भरी हुई एक गाड़ी लेकर डिलीवरी देने जा रहा है। अचानक रास्ते में अरे ये क्या, ये माँ जी इस तरह बीच रास्ते में बैठकर रो क्यों रही है? देखता हूँ क्या बात है। मेरे प्यारे संबुल, तुम कहाँ चले गए? आप बीच रास्ते में बैठकर रो क्यों रही हैं? क्या बताऊँ बेटा, पता नहीं मेरा हंस कहाँ चला गया है। अच्छा अच्छा बेटा। आप रोइए मत माँ जी, मैं आपको अपनी एक गाड़ी से हंस निकाल के दे देता हूँ। आप मेरे साथ आइए। आइए। ये लीजिए, ये बहुत ही अच्छी जाति का हंस है। ये हर दिन एक अंडा देती है। उम्मीद करता हूँ आपका इतने से गुजारा हो जाए। ठीक है। राजू, हंस की गिनती कर चुके हो ना? जी, एक हंस कम है, लेकिन उसकी कीमत मैं चुका दूंगा। अरे हरी, जाओ जाकर देखो एक बार। मालिक, जरा यहाँ तो आइए। क्या बात है बोलो। वो देखिए, सोने का अंडा। हाँ, ये क्या है? अब हम क्या करें मालिक? चुप, धीरे। अंडे के साथ इस हंस को लेकर जाओ और ये सोने का अंडा अपनी पॉकेट में रख लो। मैं आज बस यही एक हंस खरीदूंगा। बाकी हंसों को खरीद कर क्या करूंगा? अब मैं इसी एक हंस की वजह से बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सुनो राजू, आज के हंस जरा अधमरे जैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बीमार है। ये एक ही हंस अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे खरीदूंगा। तुम बाकी के वापस ले जाओ। ये क्या भाई, सप्लायर ने तो चुन चुन कर हंस दिए थे। मुझे पसंद नहीं आ रहा है बस। तुमने जिस हंस की कीमत चुकाने की बात की थी, उसके बदले मैं इसे ले रहा हूँ। हाय हाय हाय, इतने सारे हंसों का अब मैं क्या करूँगा? ये आप क्या कह रहे हैं, सारे हंस वापस लौटा दिए? अभी ने अपने घर में ही रखते हैं। देखता हूँ कल बाजार में इन्हें कोई खरीदता है कि नहीं। अब क्या हुआ भाग्यवान? ये देखिए देखिए, इस हंस के पंख सोने के हैं। क्या, ये क्या, देखो जरा। हाँ, सही कहा, इसके सारे पंख तो सोने के हैं। बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी भाग्यवान, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, इसके पंख तो बहुत छोटे हैं। इतने से पंख के कितने पैसे मिलेंगे? तो फिर मेरे पास एक उपाय है। मैं इस हंस को हर दिन ज्यादा खाना खिलाकर इसे बहुत बड़ा कर दूंगी, तो फिर इसके पंख भी बड़े हो जाएंगे। बस इसके बाद एक एक करके सोने के पंख बेच देंगे। सच कहा भाग्यवान, तुम बहुत होशियार हो। जितने बड़े पंख होंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ ठीक है, तुम काम पर लग जाओ। इसे घर के अंदर ले जाती हूँ मैं। क्या रे हरी, दिए क्या? हाँ दिए हैं, लेकिन सोने के नहीं हैं। इसका मतलब वो अंडा इस हंस का नहीं था, किसी दूसरे हंस का था। वैसे अभी भी सारे हंस राजू के पास ही हैं। चल चल, इससे पहले कि राजू उन्हें किसी और को बेच दे, हम उससे वो हंस खरीद लेते हैं। चल चल चल।
लिए क्या? आप वो भी इतनी सुबह? कल के सारे हंस मुझे वापस चाहिए और थोड़े ज्यादा पैसे भी दे दूंगा तुम्हें। चलो दे दो दे दो। अच्छा तो फिर रुक जाइए, मैं ये लो ले लो ये लो पैसे ले लो, सारे पैसे एक साथ चुका रहा हूँ। ओ हरी, जल्दी से सभी हंसों को गाड़ी में रख लो। चलो 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 जल्दी करो। क्यों भाग्यवान, उसे अच्छे से खिला रही हो ना? हाँ जी, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? अच्छे से खाकर बड़ा हो चुका है, अब इतना बड़ा हो चुका है कि बिल्कुल राजहंस की तरह हो गया है। और कितना बड़ा करोगी उसे? जितना बड़ा कर पाऊंगी। उसे चार पहर ठूस ठूस कर खाना खिला रही हूँ, उसके बाद उसके सारे पंख बेचकर हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे। बड़ा आदमी बनकर क्या करोगी तुम? हाँ, एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगी, ढेर सारे गहने बनवाऊंगी, एक नई गाड़ी खरीदूंगी, उसके बाद देश विदेश की यात्रा करूंगी। मुझे ये सब सोचकर ही खुशी हो रही है। अच्छा अच्छा सुनो, तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है मेरी प्यारी पत्नी। अब बहुत हो गया, सो जाइए। क्या हुआ, ये क्या, ये मर कैसे गया? सिर्फ ये हंस ही नहीं मरा, बल्कि हमारे सारे सपने भी चूर चूर हो गए। इसके सारे पंख भी सफेद हो गए, एक भी सोने का नहीं रहा। अगर इन्हें पहले ही बेच देते तो। अब लो, बड़ा करने की लालच में इसे और ज्यादा खाना खिलाओ। देखो देखो, पेट फूलने की वजह से ये मर गया। हाय 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 हाय। राजू, तुम्हारी सच्चाई और दया की वजह से ही मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था बेटा, लेकिन तुम सच्चे नहीं रह पाए, इसलिए मेरा आशीर्वाद भी विफल हो गया। सब मेरी वजह से हुआ है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, हमें हमें और एक हंस दे दीजिए, और एक बार दे दीजिए। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम दोनों सच्चे नहीं रहे। अब मैं चलती हूँ। हाय हाय हाय, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।